अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो जी, अब हमारी रिटर्न हो रही है अलीगढ़ से। हम वापस जा रहे हैं और सगाई फिनिश हो चुकी। तो यहां पर देखो, गजाला, गुलफशा और भाई सब बात कर रहे थे और मैं सबको शूट कर रही थी रेलवे स्टेशन पर। हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे और यहाँ भाभी और इरम जी सब अपने अपने फ़ोन में खाने में सब बिज़ी थे। तो इकरा कुछ खा रही थी और इरम फ़ोन में बिज़ी थी। तो जी, हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और फाइनली हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट है और जी पहुंच गए अपनी ट्रेन में। और ये देखिए यहाँ का सफ़र। तो मुझे ना हरियाली वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है और ट्रेन से सफ़र करना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या तो ट्रेन से या फिर स्कूटी वगैरह से ही मैं ज़्यादातर जो सफ़र करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस से और कार वगैरह से ना ये सब बहुत ऐसा लगता है ना, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या ट्रेन से सफ़र करना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको बस से या जो भी आपको अच्छा लगता है जिससे भी आपको जाना, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारा फाइनली नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो स्लो कर दी थी क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट थी ना, तो मैं आपको यहाँ का जो व्यू था वो नहीं दिखा पाती। तो ये देखिए, रास्ते में जाते हुए कितने प्यारे प्यारे खेत वगैरह पड़ते हैं और सगाई में इतना मज़ा आया ना, तो बहुत ही ज़्यादा। तो इंशाल्लाह सदफ़ की शादी में और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे और भी मौज मस्ती करेंगे और जल्दी ही इंशाल्लाह उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाए। और तो जैसे कि मैं अभी बोल रही थी ना कि मुझे ट्रेन से सफ़र करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो पता है क्यों लगता है? क्योंकि अक्सर जब हम अपने ननिहाल जाया करते थे ना अपनी नानी के यहाँ, तो हम लोग ट्रेन से ही जाते थे। तो वो वक्त जो था ना ट्रेन का, मतलब सफ़र करने वाला, वो मुझे आज भी जब याद आया, मैं मतलब इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया है, तो वो सारी यादें ना बहुत ही एकदम सामने आ गई। लेकिन पहले की ट्रेन में ना और अब की ट्रेन में बहुत फ़र्क है। पहले वो लकड़ी वाली लोहे की ऐसे सीट्स वगैरह होती थी, ऊपर भी हुआ करती थी, तो बहुत से सब ऊपर बैठ जाते थे, नीचे बैठ जाते थे। तो वो जो टाइम था ना वो बहुत अलग था, बहुत अमेजिंग था। और वो सारी चीज़ें याद कर करके ना इतना मतलब दिल खुश हो रहा था कि काश के वो पहला वाला वक्त वापस आ जाए और हम इसी तरह से हम दोबारा अपनी नानी के यहाँ जा सकें। लेकिन अब वो वक्त नहीं ना, नानी भी गुजर चुकी है, अम्मी का इंतकाल हो गया है। तो धीरे धीरे लाइफ से सब चले जाते हैं और कहीं आना जाना लोग गाड़ी से प्रेफर करते हैं कि चलो कार कर लो या कार से चले जाओ या इससे चले जाओ। लेकिन जो वक्त हुआ करता था ट्रेन से जाने का, वो एक ना बहुत अलग था। तो पहले की जो गाड़ियाँ थी वो बहुत अलग थी, यही मैं बता रही थी। तो इसीलिए मुझे ना ट्रेन से सफ़र करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये देखिए, ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ वगैरह थी ना, बहुत ही ज़्यादा, और सबको अपनी सीट्स वगैरह भी यहाँ पे मिल गई थी। लेकिन पता है अक्सर यहाँ, अब जो कि मैं बता रही थी ना कि अब बहुत चेंज हो चुकी है सीट्स वगैरह, तो अब इस तरह की सीट्स वगैरह हो गई हैं, तो ऐसा लगता है ना भिच्चा सा लगता है, उसमें बहुत खुला खुला लगता था। तो बस यही छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करी है। और वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।